जी तो दोस्तों, जो बड़े बछड़े थे वो तो कुर्बानी पे बिक चुके हैं, और अभी जो खीरे बछड़े हैं उनको रेड़ियों के लिए तैयार किया जा रहा है जी। अभी ये एक बछड़ा है हमारे पास, इसको अभी नकेल डाली जा रही है, इसे मंडा खाई जा रहे हैं। और ये देखें मुन्नी जो है मेंढक की तरह कैसे फूली हुई है, लेकिन अभी भी लगी हुई है, इसको कोई होश नहीं है कि मेरा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं, खुश रहें, आबाद रहें जनाब। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, और आज सबसे पहले तो हम ये कर रहे हैं जी कि अपने ये जो पिजन्स हैं, अपने कबूतर, इनका हम एक खुदा लेके आए हैं, क्योंकि ये 2-3 दिन हो गए थे इसी पिंजरे के अंदर बंद हैं। और चैनल को लाजमी याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पर आते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते हैं जी। ये देखिए जनाब, ये जो लकड़ी का खुड्डा ये हम लेके आए हैं अभी नया, तो वैसे तो यूज़ हुआ है, किसी के पास पड़ा था तो हमने ख़रीद लिया। तो अभी इसको इनको उसके अंदर डालते हैं जी, ताकि ये खुला घूमे फिरें और आज़ाद रहें। फिर कुछ दिनों के बाद इनको बाहर निकालना शुरू कर देंगे, जब इनको पता चल जाएगा कि ये हमारा घर है। तो इसके अंदर जनाब ये देखे हमने बाजरा और पानी वगैरह डाल दिया, और इनके लिए काफ़ी खुली जगह है। तो अभी इनको इधर शिफ्ट करते हैं जी। ये देखें जी, अभी हमने खोल दिया इसको, इसका दरवाज़ा, और इसको भेज रहे हैं अंदर, ताकि ये दूसरे पिंजरे के अंदर चले जाएं बड़े वाले में। चलो 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 चलो, शाबाश। इनको मेरे ख्याल में रास्ते की समय नहीं लग रही। चलो 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 बच्चो, हाँ निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, हिम्मत करो। शाबाश, ये चीज, ये अभी एक तो घुस गया, अभी दूसरे की बारी है, ये थोड़ा डर रहा है। अभी ये भी इंशाल्लाह चला जाएगा उसी के अंदर। चल 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 बच्चा, चल चलो यार, क्या कर रहे हो इधर? चलो 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 चलो, अपने दोस्त के पास चले जाओ। चलो 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 भी, हाँ हाँ शाबाश, हिम्मत हिम्मत, वेरी गुड। तो ये देखें जी, अभी इनको हमने नए घर के अंदर शिफ्ट कर दिया, यहाँ ये खुले घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। जी तो दोस्तों, जो बड़े बछड़े थे वो तो कुर्बानी पे बिक चुके हैं, और अभी जो खीरे बछड़े हैं उनको रेड़ियों के लिए तैयार किया जा रहा है जी। अभी ये एक बछड़ा है हमारे पास, इसको अभी नकेल डाली जा रही है, ये देख लें जी। अभी हम इसको तैयार करेंगे रेड़ी के ऊपर जोड़ने के लिए। और ये देखें जी, ये हमारा शेरों के करतूत देख लें जी, अभी दरख्तों के ऊपर चढ़ के ये पत्ते खाना शुरू हो गया। ये खीरा था इसीलिए कुर्बानी पे नहीं लगा। और यहाँ जी ये नकेल डाली जा रही है जी बछड़े का, और ये देखें जी, ये माशाल्लाह जुगनू घूम रहा है, जुगनू हमारा ब्रीडर है। ये देखें जी, ये कुर्बानी के बाद से उदास हैं दोनों, क्योंकि इनके जो दो दोस्त थे वो तो अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए। तो अभी ये उनको ढूंढते हैं, देखते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, सही से चारा भी नहीं खा रहे। और ये देख लो जनाब, इसके नकेल डाल दिए अंकल रमजान ने, अंकल रमजान बड़े कारीगर हैं इस मामले में, बैल को तैयार करना, बैल की नकेल वगैरह डालनी, उसको रेड़े के लिए तैयार करना, अंकल रमजान का इस काम में काफ़ी तजर्बा है। और ये देख लें जनाब, एक बछड़ा जो है ये हमारा बच गया था,
इसके पैसे तो काफ़ी लगे, लेकिन हमारे अंकल ने कहा जी नहीं अभी छोड़े हैं। इसका आपके अंदाज़े में कितना लगा होगा आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितने पैसे लगे थे और अंकल ने नहीं दिया। अभी ये एक साल और इसका वेट करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छे पैसे लग गए थे, तो अभी आप बताएं कि आपके जहन में ये कितने का बछड़ा था कुर्बानी में। और ये देखें जी, ये दो डाकू पकड़ लिए हमने, ये मुन्नी और मुन्ना जो हैं लगे हुए हैं वंडे को। ये देखें जी, बोरों के अंदर से वंडा खाई जा रहे हैं। और ये देखें मुन्नी जो है मेंढक की तरह कैसे फूली हुई है, लेकिन अभी भी लगी हुई है। इसको कोई होश नहीं है कि मेरा पेट फूल चुका है, क्या है क्या नहीं है, फिर भी खाने पे लगी हुई है। ये देखें, चलो चलो है तो ठीक है, चलो चलो। मुन्नी और मुन्ना चलो 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 शाबाश। अभी इनका दिल नहीं कर रहा कि हम जाएं, फिर भी फिर भाग भाग के आ जी। तो व्यूअर्स, वीडियो का करते हैं इख्तिताम, और चैनल को लाजमी यहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें।